दूर कहीं एक जंगल में सभी जानवर बहुत ही शान से रहा करते थे। वहां का राजा शेर खान अपने जंगल और जानवरों का अच्छे से ख्याल रखता था। एक शाम शेर खान ने सभी जानवरों को सभा में बुलाया। मेरे प्यारे जंगल वासियों, मेरे बड़े भाई शेरा की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उसको देखने के लिए उसके जंगल ब्यूलैंड जाना होगा। मेरे पीछे भी जंगल में इसी तरह प्यार से रहना जैसे मेरे सामने रहते हो। एक दूसरे की मदद करना, कोई भी मुसीबत आए तो ताकत से ज्यादा दिमाग से काम लेना। शेर खान, आप बेफिक्र होकर रहिए, आपकी गैर मौजूदगी में भी हम आपके सभी वसूलों को कायम रखेंगे। बहुत अच्छे, ये कहकर शेर खान वहां से निकल गया और सभी जानवर अपने अपने घरों को चल दिए। अगली सुबह सभी उठकर अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन तभी किसी शेर के दहाड़ने की आवाज जंगल में गूंजी। वो सभी जानवर हिम्मत करके एक साथ उस आवाज की तरफ गए। उन्होंने देखा कि शेर खान के टीले पर एक दूसरा शेर खड़ा है। कौन हो तुम? आवाज नीचे रखो, मैं इस जंगल का नया राजा बनने वाला हूँ। अब इस जंगल में दूसरा कोई शेर नहीं है, और अगर तुम में से कोई भी मेरा विरोध करेगा, मैं उसे ही अपना पहला शिकार बनाऊंगा। उसकी ये धमकी सुनकर किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं हुई कि उसका कोई विरोध करे। फिर हिरन ने हिम्मत की और बोला, ठीक है शेर भाई, हम आपको राजा मानने के लिए तैयार हैं। उसकी ये बात सुनकर सभी जानवर उसको हैरानी से देखने लगे कि ये हिरन ने क्या कह दिया, और शेर बहुत खुश हुआ। हाँ शेर भाई, हम आपको राजा मानने को तैयार हैं। अब ये समय है कि आप हमारे जंगल की रस्म को पूरा करें। रस्म? कैसी रस्म? हमारे जंगल की एक पुरानी रस्म है कि किसी भी शेर को राजा बनने से पहले एक हिरन को रेस में हराना होता है। इस रस्म को पूरी किए बिना कोई भी शेर राजा नहीं बन सकता। ठीक है, मैं तुमसे रेस लगाने को तैयार हूँ। उसकी ये बात सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। भला एक हिरन कैसे शेर को दौड़ में हरा सकता है? और शेर खुश हुआ कि वो अब इस जंगल का राजा बन जाएगा। थोड़ी देर बाद शेर, हिरन और उनके साथ कुछ जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। मैं, बघीरा और चिंकू खरगोश यहाँ पर है। रेस इसी जगह से शुरू होगी और काली पहाड़ी के नीचे वाले छोर पर खत्म होगी। वहाँ पर लकड़बग्घा, मोटू बंदर और सियार खड़े हुए हैं। तुम में से जो भी उन तीनों के पास पहले पहुँचेगा, वही इस रेस का विनर होगा। ये सुनकर शेर के चेहरे पर मुस्कान छलक आई और छोटू हिरन को भी अपने ऊपर पूरा भरोसा था। तभी हाथी जोर से हुंकारा और रेस शुरू हुई। दोनों एक साथ भागे, लेकिन शेर हिरन से काफी आगे निकलने लगा। बड़ा आया मुझे हराने वाला, अब तो ये पूरा जंगल मेरा होगा, केवल मेरा। उसकी ये बात हिरन के कानों में पहुंची तो उसे जोश आ गया और वो अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो अब शेर की बराबरी में आ गया और उससे कुछ कदम आगे निकल गया। ये नहीं हो सकता, अगर ये जीत गया तो मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा। ये सोच कर उसको एक आइडिया आया। उसने तेजी से हिरन के बराबर में आकर उसको एक तरफ धकेल दिया और हिरन झाड़ियों में गिर गया। हिरन काफी देर तक झाड़ियों में फिसलता रहा और एक जगह जाकर रुक गया। ये मैं कहाँ आ गया? उसने खड़े होकर देखा तो वो अब घने जंगल के बीच में था। मेरे पास रुकने का समय नहीं है। ऐसा कहकर वो फिर से भागने लगा। अभी उसने 20 कदम बढ़ाए ही थे कि उसको किसी की आवाज सुनाई दी। हिरन भाई, हिरन भाई, मेरी मदद करो। ये सुनकर न चाहते हुए भी उसने रुक कर देखा।
एक चिड़िया अपने पैरों के बल एक सेब को लुढ़काती हुई एक पेड़ के नीचे ले जा रही थी। मैं इस वक्त शेर से दौड़ लगा रहा हूँ, अगर तुम्हारी मदद करने को रुक गया तो बहुत बड़ा नुकसान खा बैठूंगा। हिरन भाई ऐसा मत कहो, किसी की मदद करने से कभी हमारा नुकसान नहीं होता। कहो क्या बात है। मैं इस सेब को बड़ी मुश्किल से लुढ़काती हुई यहाँ तक लाई हूँ, लेकिन मैं इसको पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले तक नहीं पहुँचा सकती, जिससे मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। ये सुनकर हिरन ने गर्दन उठाकर देखा कि उस पेड़ के घोंसले में दो छोटे बच्चे बैठे हैं और वो उड़ना भी नहीं जानते। उन पर उसको दया आ गई। उसने सेब को अपने उठाया और घोंसले में अंदर रख दिया। इतना बड़ा सेब। दोनों बच्चे मजे से सेब खाने लगे और चिड़िया माँ भी खुश हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हिरन भाई। अब मैं चलता हूँ, अगर मैं शेर से रेस में हार गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तुम मुझे पूरी बात बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सुनकर हिरन ने उसको सब कुछ बता डाला, जिसे सुनकर चिड़िया बोली, मैं एक ऐसी गुफा के बारे में जानती हूँ जिसके अंदर तुम घुस जाओ तो उसका दूसरा मुंह काली पहाड़ी के छोर पर जाकर खुलता है। क्या ऐसी कोई गुफा हमारे जंगल में है? हाँ सच कह रही हूँ, आओ मेरे साथ। ये कहकर चिड़िया उसको एक गुफा पर ले गई। हिरन तेजी से गुफा के अंदर घुस गया और पूरी ताकत से दौड़ा। गुफा बहुत लंबी थी और अंधेरी भी, लेकिन फिर भी हिरन पूरे जोश और होश के साथ भागता रहा। इस तरफ लकड़बग्घा, मोंटू बंदर और सियार ने शेर को अकेले सामने से आते देखा तो वो परेशान हो उठे। ये तो केवल शेर आ रहा है, हिरन कहाँ रह गया? अब बस अगले ही पल मैं इस जंगल का राजा बनने वाला हूँ। शेर छोर से कुछ ही दूरी पर था और ये तीनों जानवर बहुत ही डरा हुआ महसूस कर रहे थे कि तभी अचानक से उनके बराबर ही बने गुफा के मुंह से हिरन बाहर निकला। अरे ये कहाँ से टपक पड़ा? शेर बहुत तेज दौड़ा लेकिन हिरन उससे पहले छोर तक पहुँच गया और ये देख तीनों जानवर बहुत खुश हो गए। अरे धत तेरी की! सभी जानवर खुशी से उछल पड़े और शेर आग बबूला हो गया। ये तुम लोगों ने बेईमानी की है, ये मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँचा? बेईमानी तो तुम कर रहे थे, तुमने मुझे झाड़ियों में धक्का दे दिया था ताकि मैं रेस में तुमसे जीत ना जाऊं। ये सुनकर सभी जानवर शेर को अजीब नजरों से घूरने लगे। वो तो भला हुआ उस चिड़िया का, जिसकी मदद मैंने की तो उसने मुझे यहाँ आने का रास्ता दिखाया। ये सुनकर शेर को अब अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई और वो वहाँ से भाग निकला। छोटू हिरन, अगर आज तुम नहीं होते तो हम लोग इसके गुलाम बनकर रह जाते। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी की मदद करने से कभी हमारा नुकसान नहीं होता।